नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं झांसी की खबर की ओर। झांसी में सिटी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ लक्ष्मी व्याम मंदिर खेल मैदान में उद्घाटनकर्ता प्रशांत सिंह एवं मुख्य अतिथि अरविंद वशिष्ठ अध्यक्ष शहर कांग्रेस ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों से परिचय प्राप्त करने के बाद टॉस कर प्रशांत सिंह ने टूर्नामेंट का प्रारंभ किया। प्रशांत सिंह ने कहा कि खूबसूरत आयोजन में सभी टीमें खेल भावना के साथ खेलें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ खेल कर इसे सफल बनाएं। मुख्य अतिथि अरविंद वशिष्ठ जी ने कहा कि ध्यानचंद की नगरी झांसी में खेल प्रतिमाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें निखारने की जरूरत है और हम यही करने जा रहे हैं। हम प्रतिमाओं को निखारेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में हर संभव सहायता करेंगे। टॉस जीतकर वार्ड संख्या 50 ने पहली फील्डिंग करने का निर्णय लिया। वार्ड नंबर 42 की टीम ने पहले खेलते हुए 44 रन बनाए। शिवकरण 6, गोलू 7, हनी 5, सागर 4, शिवम 1, शिवम कुशवाहा 7, अभिषेक जैन 2, विशाल 6 और कुणाल ने 30 रन बनाए। इस मैच में मेवालाल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच खेला गया, जिसमें वशिष्ठ अतिथि, शमीम शेख, भरत राय, ओम प्रकाश राय, अशोक तिवारी प्रधानाचार्य, बीआईसी दिनकर सक्सेना प्रधानाचार्य, मनोज मिश्रा और विनोद चतुर्वेदी रहे। वार्ड नंबर 4 ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। वार्ड नंबर 3 ने पहले खेलते हुए 79 रनों का स्कोर बनाकर 80 रनों का लक्ष्य दिया। वार्ड नंबर 3 की ओर से खेलते हुए शताब ने 13, शाहरुख ने 11, शुएब ने नाबाद 22 रन और आमिर ने 8 गेंदों में 22 रन बनाकर वार्ड नंबर 4 की टीम को 80 रन बनाने का लक्ष्य दिया। विकास ने 2, जितेंद्र, ब्रजेंद्र और आकाश ने 1-1 विकेट लिए। वार्ड नंबर 4 के ब्रजेंद्र ने 17, राघवेंद्र ने 16 रन बनाए, दीपक ने 4, संजू ने 2 और लाला राम और रफत अली ने 1-1 विकेट लिए। वार्ड नंबर 3 ने 10 रनों से जीत हासिल की। दूसरे मैच में आमिर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मौके पर देवी सिंह कुशवाहा, फारूक शेख, शाहिद, अमीर चंद आर्य, हैदर अली, समीर, सोहेल, मनीष रायकवार, सिद्धार्थ और फैजल हाशमी उपस्थित रहे। आयोजन समिति के सदस्य अरविंद बबलू, शब्बू सेन, जितेंद्र भदौरिया, अफसर खान, सचिन श्रीवास, वाशिफ उमर खान, अनवर अली, मजहर अली, शिवम नायक रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था एलबीएम में? देखिए, आज यहाँ आयोजन समिति ने एक बहुत बढ़िया काम किया। मैं समझता हूँ दत्ता ध्यानचंद की ऐतिहासिक नगरी झांसी में आज इन्होंने हर वार्ड के युवाओं को क्रिकेट खेलने का मौका दिया और मुझे लगता है कि इन क्रिकेट खिलाड़ियों में से निश्चित रूप से आगे चलकर कोई रणजी ट्रॉफी खेलेगा, कोई देश के लिए खेलेगा और झांसी का नाम गौरवान्वित करेगा। ठीक है, उसमें कितनी टीमें हैं आज? आज मुझे लगता है कि 4 टीमों का मैच है। ठीक है, आज झांसी के इतिहास में पहली बार युवाओं के मनोरंजन के लिए सिटी प्राइम लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये विशाल ग्राउंड लक्ष्मीबाई एलबीएम जो कहते हैं व्यायामशाला, उसका ग्राउंड है। ये ग्राउंड आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ, अभी माननीय पत्रकार जी आपको दिखाएंगे, ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहाँ पर युवाओं को हम लोग मनोरंजन के तौर पर क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें हर वार्ड के लोग रहेंगे क्या? हर वार्ड की टीमें खेल रही हैं। केवल वार्ड के ही लोग खेलेंगे। ठीक है, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं खेलेगा दूसरे वार्ड का, कोई तीसरे वार्ड का। ये आयोजन आपको कब तक चलेगा? ये आयोजन हमारा 17 तारीख को फाइनल मैच होगा। ठीक है, ओके।